नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए तीन काल कथा, जिसके लेखक हैं काशीनाथ सिंह। पहली कथा है अकाल। यह वाक्य दूधी तहसील के एक परिवार का था। पिछले रोज 4 दिनों से गायब मर्द पिनपिनाया हुआ घर आता है और दरवाजे से आवाज देता है। अंदर से पैर घसीटती हुई उसकी औरत निकलती है। मर्द अपनी धोती की मुरीसे से 10 रुपए का एक मुड़ा तोड़ा नोट निकालता है और औरत के हाथ पर रखकर बोलता है, जब वह शाम को लौटे तो उसे खाना मिलना चाहिए। औरत चिंतित होकर पूछती है, अनाज कहाँ है? जहन्नुम में, मर्द डपटकर कहता है और बाहर निकल जाता है। औरत नोट को गौर से देखती है और जतन से ताक पर रख देती है। वह अपने 4 साल के लड़के को, जो खेलते खेलते सो गया है, जगाती है और कहती है, तुम घर देखो, मैं अभी आ रही हूँ। लड़का आंख मलता है और वह उसे लौटकर अपने साथ बाजार चलने का लालच देता है। लड़का चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है। औरत करकटाए बर्तनों को उठाती है और मलने के लिए बाहर चली जाती है। चटपट बर्तन मलकर घर आती है और चौखट पर पहुंचकर दंग रह जाती है। नीचे जमीन पर नोट के टुकड़े पड़े हैं। वह बर्तन फेंककर ताक के पास जाती है। नोट नदारद। लड़का खटिया पर जस का तस लेटा हुआ है। वह गुस्से से और मुंह फुलाए है। वह लड़के को खींचकर मारना शुरू कर देती है और थक जाती है और खुद ही रोने लगती है। शाम को मर्द आता है और चौके में पीड़े पर बैठ जाता है। वह औरत को आवाज देता है कि तुरंत खाना दो। औरत आंगन में बैठे बैठे बताती है कि जब वह बर्तन मलने गई थी, लड़के ने नोट को फाड़ दिया था। मर्द अपनी सूखी जांग पर एक मुक्का मारता है और उठ खड़ा होता है। वह लपक कर चूल्हे के पास से हंसुआ उठाता है और आंगन में खड़ा होकर चिल्लाता है, अगर कोई मेरे पास आया तो उसे कच्चा खा जाऊंगा। उसकी ओर नहीं देखती। उसका मुंह अपनी औरत की ओर है और औरत बिना उसे देखे सुने बैठी रहती है। मर्द झपट्टा मारकर लड़के को उठाता है और उस पर चढ़ बैठता है। फिर हसुआ को झंडे की तरह तानकर औरत को ललकारता है, कच्चा खा जाऊंगा। औरत उसकी ओर तब भी नहीं देखती। मर्द लड़के के गले पर हसुआ दबाता है और गुस्से में कांकता है, साले तुझे हलाल करके छोड़ूंगा, और अपने होंठ बीच लेता है। लड़का जो बिना चीखे चिल्लाए रोए उसके घुटनों के बीच दबा है, किसी तरह सांस लेता है। ओह ऐसे नहीं, धीरे धीरे। और पुलिस दूसरी सुबह नियम अनुसार मर्द को अपने साथ अपना फर्ज पूरा करती हुई नजर आती है। दूसरी कथा है पानी। पुलिस को खबर दी जाती है कि 7 दिनों से भूखा निठोहर कुएं में कूद गया है और बाहर नहीं आ रहा है। अरे तो इसमें परेशानी क्या है? पुलिस पूछती है। अरे हुजूर, वह मरना चाहता है। अरे अगर वह यही चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस फिर कहती है और समझाती है कि वे उसके लिए मर जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। उन्हें इसके लिए फायर ब्रिगेड दफ्तर को खबर करनी चाहिए। खबर करने वाले चिंतित होते हैं और खड़े ही रहते हैं। साहेब, वह कुएं में मर गया तो हम पानी कहाँ पिएंगे? उनमें से एक आदमी हिम्मत के साथ कहता है, क्यों, एक ही कुआं है ना? वह संकोच के साथ धीरे से कहता है। दूसरा आदमी बात को और जरा साफ करता है, उस कुएं को छोड़े पानी के लिए हमें 3 कोस दूर दूसरे गाँव जाना पड़ेगा। काफी सोच विचार के बाद 2 सिपाही कुएं पर आते हैं। वे झांक कर देखते हैं, पानी बहुत नीचे चला गया है और वहां अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। पानी की सतह के ऊपर एक किनारे बरहो पकड़े हुए निठोहर बैठा है, नंगा और काला। सिपाही होली का मजा किरकिरा करने के लिए उन्हें गालियां देते हैं और डोर लाने के लिए कहते हैं। डोर लाई जाती है और मुंह में ढील दी जाती है। सिपाही अलग अलग और एक साथ चिल्लाकर निठोहर से रस्सी पकड़ने के लिए कहते हैं। कुएं में रस्सी फेंक कर रस्सी निठोहर के सामने हिलती रहती है, किंतु वह चुपचाप बैठा रहता है। सिपाही उसे डांटते हैं, बाहर आना हो तो डोर पकड़ो। काफी हो हल्ला के बाद निठोहर अपनी आंखें डोर के सहारे ऊपर करता है और फिर सिर झुका लेता है। अरे डोर क्यों नहीं पकड़ रहा? एक सिपाही बस्ती वालों से पूछता है। बस्ती वाले बताते हैं कि डोर पकड़ने के लिए नहीं, वह मरने के इरादे से अंदर गया है, वह भूख से तंग आ चुका है। सिपाही मस्खरी करते हैं कि क्या वे उनकी निठोहर के लिए रोटी लाएं? सिपाहियों में से एक फिर चिल्लाता है कि अगर वह मरने पर ही आ गया तो कौन रोक सकता है, लेकिन कम से कम आज तो नहीं मरे, आज होली है और यह सरासर गलत है। हाँ, वह किसी दूसरे दिन भी मर सकता है जब हम ना रहें, दूसरा सिपाही बोलता है जवाब में। निठोहर के होटलते हुए मालूम होते हैं, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ती। अरे क्या बोलता है? अरे मुंह चिड़ा रहा है, दूसरा सिपाही कहता है। नहीं नहीं, वह गालियां दे रहा होगा, बड़ा गुस्सेल है। दूसरी तरफ से अंदर की झांकता हुआ एक आदमी बोला, गालियां खींच लो, तुम सब खींच लो, डोरे और साले को मर जाने दो। बाहर डोर पकड़े हुए बस्ती वालों पर एक सिपाही चीखता है।
बस्ती वालों पर उसकी चीख का कोई असर नहीं पड़ता। जाने दो, गाली ही दे रहा है ना, गा तो नहीं रहा है। उसका साथी फिर मस्खरी करता है और ही करके हंसता है। अच्छा ठीक है, बाहर आने दो। सिपाही खुद को शांत करता है। डोर ऊपर खींच ली जाती है और उसे बाहर निकालने के लिए तरह तरह के सुझाव आने लगते हैं। तय पाया जाता है कि वह भूखा है और रोटियों देखकर ऊपर आ जाएगा, लेकिन सवाल पैदा होता है कि रोटियां आए कहाँ से? अगर रोटियां होती तो वह कुएं में क्यों बैठता? इस पर भी बात आती है कि उसे चारा दिखाया जाए, मुलायम और नरम पत्तियां। क्यों, तुम सब उसे पाड़ा समझते हो? नाराज सिपाही पूछता है और अपना थल थल शरीर हंसी से दलकाने लगता है। अंत में तय होता है कि कोई आदमी निकट के बाजार चला जाए और वहां से कुछ भी ले आए। घंटे भर बाद पाव भर सत्तू आता है। सिपाही पूरी बुद्धि के साथ एक गगरे में सत्तू घोलकर निठोर के आगे ढील देता है। वह गगरे को हाथों में लेकर हिलाता है, उसमें झांकता है, सूंघता है और फिर एक सांस में पी जाता है। खाली गगरा फिर झूलने लगता है और ऊपर हंसी होती है। अच्छा बनाया उसने, एक सिपाही कहता है। अब तो वह और भी बाहर नहीं निकलेगा, बस्ती का एक आदमी उदास होकर कहता है। हाँ हाँ रुको, घबराओ नहीं, थुलथुल सिपाही अंदर झांकता हुआ हाथ उठाता है, दूसरे भी झांकते हैं। निठोर ने गगरा छिटाकर पानी पर फेंक दिया और फंदा अपने गले में डाल लिया। अरे उसने फंदा पकड़ लिया, पहले सिपाही चिल्लाता है, खींचो, मैं कहता हूँ खींचो साले को, दूसरा चीखता है और निठोर खींच लिया जाता है। उसकी उंगलियां फंदे पर कस गई, जीभ और आंखें बाहर निकल आई और टांगे किसी मरे मेंढक सी तन गई। सिपाहियों को कर्तव्य दिखाने का जरिया मिलता है और बस्ती वालों को पानी। तीसरी कथा है प्रदर्शनी। खबर फैली है कि इस इलाके में अकाल देखने प्रधानमंत्री आ रही हैं, जिसके कारण सरगर्मी बढ़ती है। जंगल के बीच में नमूने के तौर पर 50 कंगाल जुटाए जाते हैं और 15 दिन तक कैंप में रखकर उन्हें इस मौके के लिए तैयार किया जाता है। स्वागत की तैयारियां शुरू होती हैं, फाटक बनाए जाते हैं, तोरण और बंदरवार सजाए जाते हैं, स्वागतम और शुभ आगमन लटकाए जाते हैं। जय हिंद के लिए दो नेताओं में मतभेद हो जाता है, इसलिए यह नहीं लटकाया जाता। गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती हैं और उधर से इधर पुलिस आती है, पत्रकार आते हैं, नेता और अफसर आते हैं। सीआईडी की सतर्कता बढ़ती है। अपने क्षेत्रों में विजेता नेता लोगों को समझाते हैं कि यह उनकी आवाज है जो प्रधानमंत्री को यहां घसीट लाई है। इस तरह अगले चुनाव में उनके विजय की भूमिका बनती है। दूसरे क्षेत्रों से आए नेताओं को कोफ्त होती है कि उनका क्षेत्र अकाल से क्यों वंचित रह गया। इस बीच अकाल भी जोर पकड़ लेता है। पेड़ों से बेल, महुए, करिंदे, कुंडरू भी के बौर साफ हो चुके हैं। अब पेड़ नंगे होने लगे हैं, जिनकी पत्तियां भरसक नरम और मुलायम उठा ली जा रही हैं और खाई जा रही हैं। यह सब तब तक चल रहा है जब तक आगे है ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री आती हैं। वे 10 रुपए की साड़ी में 100 वर्ग मील की यात्रा करती हैं। कुछ ही घंटों में इतनी लंबी यात्रा लोगों को सकते में डाल देती है। प्रधानमंत्री खुश रहती हैं क्योंकि लोग भूखे हैं, फिर भी उन्हें देखने के लिए सड़कों पर धूप में खड़े हैं। जनता प्रधानमंत्री के प्रति अपने पूरे विश्वास और विनय के साथ अकाल में मर रही है। अंत में प्रधानमंत्री का 10 मिनट तक कार्यक्रम होता है। रामलीला मैदान में कहीं कोई तैयारी नहीं है क्योंकि बाहर से लाए जाने वाले फल, गजरे, केले के गाछ कंगालों के भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और ऐसे भी यह कार्यक्रम जश्न मनाने का तो है नहीं। कार्यक्रम से पहले प्रदर्शनी के लिए तैयार किए गए 47 कंगाल लाए जाते हैं। 50 में से 3 कंगाल अभी तक मर चुके हैं। कैंप में आने के 13वें दिन जब उन्हें खाने के लिए रोटियां दी गई तो वे पूरी की पूरी निगल गए और हुआ यह कि रोटी सूखी गले में फंस गई और वे दिवंगत हो गए। प्रधानमंत्री उनके और सारी भीड़ के आगे अपना कार्यक्रम पेश करती हैं। वे धूप में एक चबूतरे पर आ खड़ी होती है, बोलने की कोशिश में होठों को कांप आती है, आंखों को रुमाल से पोंछती है और फिर दूसरी ओर घुमा लेती है। रुमाल के एक कोने पर सुर्ख गुलाब कड़ा है। भीड़ गदगद होती है। इस मौन कार्यक्रम के बाद प्रसन्न चेहरे के साथ प्रधानमंत्री विदा लेती हैं। नारे लगते हैं, जय जयकार होता है और दूसरे शहर के सबसे बड़े होटल में प्रधानमंत्री पत्रकारों के बीच वक्तव्य देती हैं। हम दृढ़ता, निश्चय और अपने बलबूते पर ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अफसर खुश होते हैं कि दौरा बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हुआ है। भीड़ पहली बार अपने जीवन में प्रधानमंत्री का दर्शन पाकर छट जाती है और वे 47 कंगाल घास और माथों की आड़ी खाने के लिए जंगल की ओर हाँक दिए जाते हैं। तो यह कहानी थी काशीनाथ सिंह की